please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जैसा कि आप जानते हैं, देश के मुखिया माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी आने वाली 25 दिसंबर को पहली बार एक साथ नोएडा आ रहे हैं। वही नोएडा जहां हजारों लोग कई वर्षों से अपने घर का सपना और गाड़ी कमाई के डूब जाने की फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आज पहली बार आपको मौका मिल रहा है अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि हम 7-8 साल महीना हो गया है योगी जी की सरकार बने हुए, काम जमीनी स्तर पर कम नजर आता है, दिखता काम है उसका रिजल्ट नहीं दिखता है, आश्वासन ज़्यादा दिखता है। तो कल योगी जी मोदी जी दोनों यहाँ उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। हम जो जितने भी फ्लैट बायर्स हैं हम शांतिपूर्वक वहाँ खड़े होंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे कि काम जमीनी स्तर पर कम हो रहा है, हवाबाजी ज़्यादा हो रही है। जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं या जो समिति है, अधिकारी हैं, बातचीत कम करना चाहते हैं, दिखावा ज़्यादा करना चाहते हैं, जिससे जो एंड यूजर है, फ्लैट बायर्स है या शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने मॉल में बुकिंग करा है या कहीं पर भी करा हुआ है, तो उनको परेशानियाँ ज़्यादा हो रही हैं, सुविधा उनको कम मिल रही है। अथॉरिटी जाते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। नेता जाते हैं, नेता सुनते नहीं हैं। तो हम जो फ्लैट बायर्स हैं वो किससे शिकायत करेंगे? जबकि मुख्यमंत्री की टीम बनी, मुख्यमंत्री ने टीम बनाई, ठीक है, उनको हमारी समस्या का समाधान करना था। समाधान किससे पूछ के करेंगे? हम बायर से पूछ के समाधान करेंगे? हमसे समाधान कर नहीं रहे हैं। बिल्डर से अलग अलग होटलों मीटिंग करते हैं, अलग अलग क्लब में जाके मीटिंग करते हैं, बायर से पूछते नहीं हैं। तो उनको बायर से, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा कि आप बायर से पूछें, जो एंड यूजर है उससे पूछें, तब एक्चुअल फिगर हम मंत्री समिति को दे पाएंगे ना कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। तो ये हमारी उनसे दरखास्त है। NPS टावर में अपार्टमेंट है, कई सालों से, करीब 2009 से हम लोगों ने इस अपार्टमेंट को लिया हुआ है और अभी तक इसका प्रॉपर पोजीशन नहीं मिल पाया है। अथॉरिटी और बिल्डर मिलके सारे बायर्स को परेशान कर रहे हैं। हम मोदी जी से और योगी जी से, जो कल यहाँ पे उद्घाटन के लिए आने वाले हैं नोएडा में मेट्रो के लिए, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया हम लोगों की परेशानी को समझें और इस पर सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करें। नोएडा और NCR में पूरे ही होम बायर्स, जिन लोगों ने पिछले 7 और 8 साल में पैसा लगाया है, बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग हैं जो सैलरीड क्लास है, मध्यम इनकम ग्रुप के और निम्न लो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिन्होंने 8 साल से इंतज़ार करते करते, और मोदी जी ने और योगी जी ने चुनाव से पहले वायदा किया था कि हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। आज इसको, मोदी जी को 3 साल होने वाले हैं और योगी जी की भी सरकार बने हुए 8-9 महीने हो गए हैं। 3 मंत्रियों का इन्होंने एक पैनल बनाया था जिसके अंदर कहा था कि ये सारी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन मंत्रियों ने भी अभी तक कोई ऐसी ही चीज़ नहीं निकाली जिससे होम बायर की सेटिस्फेक्शन हो, और सारे प्रोजेक्ट वैसे के वैसे फंसे हुए हैं। इनका ये कहना कि 40,000 फ्लैट हम देंगे, ये ग्राउंड में 20,000 और 15,000 भी नहीं है। इसके लिए एक, जब तक मंत्रियों के अलावा बायर्स की मीटिंग बुला के उसको ग्राउंड रियलिटी देख के प्रोजेक्ट वाइज, क्योंकि JP है, अमरपली है, नोएडा एक्सटेंशन है, NPX मॉल है, ये लोगों के करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, इसके ऊपर अभी तक कोई इन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाली है। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और इसमें राजनीति खेल रहे हैं, और असलियत में लोगों की परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि इनमें से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं और लोगों के पास रोज दिनचर्या के लिए पैसे नहीं बच रहे, क्यों EMI भी दे रहे हैं। सबको मालूम है लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मोदी जी और योगी जी से रिक्वेस्ट है कि इसकी रियलिस्टिक अप्रोच ले। खाली अधिकारियों के से फीडबैक जो मिल रही है वो उचित नहीं है, और समस्या का हल जल्दी से जल्दी निकाले। पता चला है कि कल
मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, योगी जी और मोदी जी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेट्रो का इनॉग्रेशन करने के पहले बेस्ट ये रहता कि जो बायर्स इतने तकलीफ में हैं नोएडा में, पूरे इस रीजन में, अगर उनकी प्रॉब्लम को अगर वो पहले थोड़ा देखते और फिर मेट्रो का भी वो करते तो इट वुड हैव बीन नाइस। क्योंकि इस वक्त इतने लोग परेशान हैं इस चीज़ से, चाहे वो घर हो, चाहे वो कमर्शियल यूनिट्स हो, बिजनेस क्लास हो, जो भी, मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, हर जगह जो है टकरे मार रहे हैं, वकीलों के चक्कर लग रहे हैं या कोर्ट के चक्कर लग रहा है। तो ये एक तरीका है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अपना सपोर्ट दिखा सकते थे। तो इट इज़ अप्रिशिएटेड, विल बी अप्रिशिएटेड अगर वो बायर्स को अलग से बुला के उनसे एक मीटिंग कर पाएंगे और उनकी किसी तरीके से सपोर्ट या मदद करने की कोई आइडिया या कुछ तरीका जो है वो बता पाएँ, और नोएडा अथॉरिटी या जो भी इन्वॉल्व है इसमें, एजेंसी या कुछ भी, उसको जो है बताएं कि किस तरीके से इन लोगों की मदद कर सकें। हम सब जो है बायर्स हैं और बहुत परेशान हैं इस बात से, चाहे वो कहाँ पे नोएडा में हो या ग्रेटर नोएडा में हो। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है हमारे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कि पहले जो जनता है उसकी पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, और फिर ये जो हमारे आगे तरक्की करने का सोच रहे हैं, मेट्रो हो या एयरपोर्ट हो, उसको देखा जाए। थैंक यू। जनरल भाटिया है, ये मेरी धर्मपत्नी है प्रोमिला भाटिया। हम दोनों ने मिलके एनपीएक्स के अंदर दो शॉप ली थी, पूरा पैसा जो है दिसंबर 2009 में 100% पेमेंट कर दिया था। दो साल तीन साल तक उन्होंने इंटरेस्ट दिया, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, एक लेटर ऑफ ऑफर कर दिया जबकि बिल्डिंग बिल्कुल तैयार नहीं थी, और उसके बाद में जो है ना इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। अभी 8 साल हो गए हमको इन्वेस्ट किए हुए, वो लिए हुए, अभी तक उन्होंने जो है बिल्डिंग कंप्लीट नहीं करी। और जितने भी हमारे एनपीएस के मेंबर हैं सभी बहुत तकलीफ में हैं इस वक्त। कल मोदी जी और योगी जी आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि कितने सालों बाद हमारे देश के प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो नोएडा में आ रहे हैं, और जो समझा जाता था कि अपशकुन होता है वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। और मोदी जी जो है, मैं वैसे बीजेपी के अंदर बड़ा एक्टिव रहा हूँ और मैं बीजेपी ज्वाइन किया था, मोदी जी ने जो हिंदुस्तान के लिए किया है वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी आ रहे हैं नोएडा में, योगी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेट्रो स्टेशन शुरू हो रही है नोएडा में, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात से दुख होता है कि इतने सारे होम बायर्स जिनको मकान नहीं मिला है, जेपी के हैं और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको आज तक अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके वो आ रहे हैं, और उनके लिए किसी भी नेता ने आके सपोर्ट में उनके कुछ नहीं कहा, किसी ने आश्वासन भी नहीं दिया आकर कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि और अच्छा होता, लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात होती और खुशी की बात होती अगर उनकी समस्याओं को भी ध्यान दिया जाता और होम बायर्स के लिए भी वो लोग आते, किसी समय निकालते थोड़ा सा, उन्हें आश्वासन देते कि आपका पैसा सुरक्षित है और आप लोगों को ध्यान दिया जाएगा। ऐसा भी हुआ है, बहुत से प्रोजेक्ट हैं, पैसा ले लिया बिल्डर ने लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। जाहिर है उनके मन में संदेह है, हमारा क्या हुआ। बहुत से लोग हैं, बिल्डर्स ने कहा हम आपको पैसा देते हैं, रिफंड देते हैं, एक दो इंस्टॉलमेंट भी दी लेकिन उसके बाद वो भी नहीं मिल रहा। तो ये सब बहुत सी समस्याएं हैं, मुझे लगता है ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, आम जनता की प्रॉब्लम्स हैं, और मोदी जी को और योगी जी को इन प्रॉब्लम्स में भी आगे आकर समझना चाहिए और लोगों को आश्वासन देना चाहिए। मैं विंग कमांडर राकेश संत हूँ, मैं कॉस्मिक में इन्वेस्टर हूँ। कॉस्मिक ने 6,000 लोगों को धोखा दिया है झूठ बोल के, जो ज़मीन उसके नाम पे नहीं थी वो बताया कि उसकी ज़मीन है और लोगों के पैसे उसने कोई वापस नहीं करा, ना ज़मीन है ना कोई कंस्ट्रक्शन है और ना वो पैसे वापस कर रहा। हाई कोर्ट में अब लिक्विडेशन का ऑर्डर दे दिया है, गवर्नमेंट को इस समय इंटरवीन करना चाहिए, लिक्विडेशन बंद कराना चाहिए और पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना 1,000 करोड़ के ऊपर जो पैसा उसने लोगों से लिया है, जो लोगों की हार्ड मनी है, वो पैसा कहाँ गया है, उस पैसे का ट्रेल जो है वो गवर्नमेंट को ढूंढना चाहिए। लोग इतने दुखी हैं, ना उनको कोर्ट से कोई राहत मिल रही है ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत मिल रही है। ये सब फ्रॉड यूपी में हुए हैं और यूपी गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि उसको यूपी में
जेल में ट्रांसफर करें बजाय इसके कि दिल्ली के जेल में उसको रखा हुआ है। थैंक यू। These are few personal requests to Mr. PM and to Mr. CM of UP. We will send them more voices of aggrieved buyers. Realty Media will not let any government sleep until the matter gets resolved. Stay tuned.